यार लोगों ने बोला सर आप यूपी मेरिट लिस्ट पे अपने एक्सपर्ट कमेंट दीजिए। तो मैंने उसे कही कहा था कि कल दूंगा, कल आज दूंगा, कल हम जरा अपने क्लाइंट्स का काम करने में बिजी थे। और जैसा कि मेरा हमेशा रहता है कि आपको वो चीज बताऊं जो डिफरेंट हुई है, नई हुई है। देखिए ये इस साल की लिस्ट है, मैंने इसको भी एक्सेल में कन्वर्ट नहीं करा है, और मैंने आपके लिए निकाली है लास्ट ईयर की लिस्ट। जी हाँ, क्योंकि उसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस साल। और लिस्ट के साथ साथ देखिए दोनों राउंड बन किए हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा ना हर राउंड से पहले, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है राउंड वन राउंड टू पॉपअप में भी, सबसे बढ़िया वो मेरिट लिस्ट निकालता है मेरी नज़र में। क्योंकि वो ना नीट का मार्क्स, नीट की रैंक भी बताता है। तो कभी कभार ना देखिए एनसीसी की आप अलॉटमेंट लिस्ट देखिए, वहां पर उन्हीं बच्चों का जिक्र होता है जिनको सीट मिली है। लेकिन समटाइम अगर आप एक रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं ना कि किस नंबर पे क्या रैंक है, जैसे लगाते हैं इस साल की रैंक है, इस साल जिसके नीट में 630 नंबर है उनकी ऑल इंडिया रैंक तो 9,100 के आसपास है। लास्ट ईयर जिसके 630 नंबर थे, है ना, आपको ये पता चल जाता है कि जो हम बाबा कहते हैं कट ऑफ ऊपर गई नीचे गई, कितनी कंपटीशन चल रहा है। सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट आपको बताती है, लास्ट ईयर 630 पे ऑल इंडिया रैंक 8,400 करीब आई हुई थी। ये लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर 630 पे 8,400, इस साल 630 पे 9,100। दैट मीन्स आपकी रैंक घट गई ना ऑल इंडिया रैंक। इसका मतलब लोगों ने बोला कि इस साल पेपर मुश्किल था, लेकिन कंपटीशन तो बढ़ गया है। 630 से थोड़ा और नीचे जाके देख लेते हैं, तो बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं ना बताते हैं। फिर एक राउंड फिगर पकड़ते हैं, इस साल जिस बच्चे के नीट में 560 नंबर हैं तो उसकी 42,000 रैंक के आसपास है। लास्ट ईयर यही जब 560 नंबर थे तो जो आपकी रैंक थी वो 40,000 थी। लास्ट ईयर 40,000 बच्चे आपसे ऊपर थे 560 पे, इस बार 43,000। तो वैसे भी 3,000 बच्चे ज्यादा हैं। ये देख के तो लगेगा कि कंपटीशन काफी बढ़ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, इसी 560 नंबर पे आपके ऊपर तो 43,000 बच्चे हैं इस साल, लेकिन आपकी यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट है 4,200। देखिए ये मेरिट लिस्ट जो होती है ना, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली जिन्होंने अभी यूपी का फॉर्म भरा हुआ है, रजिस्ट्रेशन तो खत्म हो गया ना, स्टेट रैंक उसको बोलते हैं। तो 560 नंबर पे कितने थे आपके, आपसे ऊपर टोटल तो 42,000 बच्चे थे पूरी इंडिया में, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपसे ऊपर हैं 4,200 जिन्होंने इस बार रजिस्ट्रेशन करा है। आपके लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये देखना चाहें कि मुझे कौन सी सीट मिलने वाली है, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। 560 पे 4,200, लास्ट ईयर देखते हैं, लास्ट ईयर भी 560 रैंक पे आपकी एग्जैक्ट 4,200 स्टेट रैंक थी, समथिंग विच इज वेरी यूनिक। तो आपसे ऊपर 40,000 बच्चे थे पर आपकी स्टेट रैंक 4,200 थी। इस साल 560 में आपकी रैंक एग्जैक्ट 4,200 है, करेक्ट। लेकिन इस साल आप और नीचे जाते हैं, लेट से जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो पहले पांच कॉलेज चाहते हैं, एक स्टूडेंट है 360 नंबर का, 370 आ गया, तो 370 नंबर पे, 370 नंबर पे देखिए आपकी ऑल इंडिया रैंक इस बार 2,15,000 है, लेकिन आपकी यूपी स्टेट रैंक 8,600 है फिलहाल राउंड वन में। लेकिन यही 370 नंबर पे लास्ट ईयर, यही 370 नंबर पे लास्ट ईयर आपकी रैंक 2,33,000 थी। ठीक, लास्ट ईयर आपकी रैंक अब कम थी, इस साल आपकी रैंक 360 पे ज्यादा, 370 पे ज्यादा हो गई ना, 370 पे 2,15,000 है, सॉरी मैंने 370 देखा था ना, 2,15,000, और लास्ट ईयर आपकी रैंक 2,33,000 थी। देखा क्या हुआ इस साल नीट में, जो मैं हमेशा बता रहा था जो टॉपर्स बच्चे हैं, टॉपर्स को फर्क नहीं पड़ता, तो टॉप के मतलब 10,000 बच्चे हैं या जो 600 एंड अबव हैं उनमें बल्कि ज्यादा बच्चे हैं इस साल। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो जो कॉम्प्लिकेटेड पेपर आ गया था बायोलॉजी का, 370 नंबर पे देखिए तो लास्ट ईयर आपकी रैंक थी 2,33,000 और इस साल आपकी रैंक है 2,15,000। दैट मीन्स आप इस समय ऊपर हैं, राइट। दैट मीन्स वाकई पेपर मुश्किल था,
370 नंबर वाले को 2,15,000 रैंक मिल गई। ढंग किया आपने, इस साल 370 नंबर वाला ऑलराउंडर है 2,15,000 है, लास्ट ईयर 2,35,000 था। मतलब आप बेटर कर रहे हो, इस बार आपके रैंक ज्यादा है, जिससे साबित होता है पेपर मुश्किल था। लेकिन जब हम ऊपर थे 140 पे, इस साल आप 6,500 हो और लास्ट ईयर आप 640 पे, आप 5,783 थे। तो अब रैंक नीचे थी ना, तो मतलब आपसे ऊपर 6,000 बच्चे थे, लास्ट ईयर 5,700 से। मतलब था कि पेपर आसान था। टॉपर्स के लिए पेपर हमेशा आसान होता है, कंपटीशन हर साल बढ़ता है। मैं समझाता हूँ, कभी मुझसे आप अलग से काउंसिल लीजिएगा तो ये लॉजिक समझाऊंगा आपको, आईक्यू और नेचुरल जीन्स का, नेचर वर्सेस नर्चर। मुझे बात आपको, 640 नंबर मतलब टॉपर्स जो हो गए लास्ट ईयर, सिर्फ 5,700 लोग थे 640 नंबर तक, इस साल 6,700 है, 1,000 लोग ज्यादा है। और परसेंटेज में देखोगे तो 20% बच्चे ज्यादा हैं। लेकिन जैसे ही हम टॉपर्स के से नीचे आ जाते हैं और हम मिड रेंज में पहुंच गए 370 में, तो इस साल 2,15,000 है जबकि लास्ट ईयर 2,33,000 थे। मिड लेवल पे आकर पेपर मुश्किल हो जाते हैं बच्चों के लिए, 2,15,000 और लास्ट ईयर क्या था, पेपर आसान था मिड लेवल के बच्चों के लिए। टॉपर्स को कभी पेपर से फर्क पड़ता नहीं है, हर साल टॉपर से कंपटीशन बढ़ता ही रहता है, क्योंकि जो टॉपर्स बच्चे हैं वो और ज्यादा मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। दिस इज द लॉजिक ऑफ टॉप, हम चीज कहते हैं, राइट। लेकिन अब अपने मतलब ही काम की बात, 370 नंबर वाले की इस बार स्टेट रैंक है 10,817, लास्ट ईयर 370 नंबर वाले की रैंक क्या थी, और इस साल है 8,600, लास्ट ईयर थी 10,800, राइट। काफी फर्क है, 10,800 से आप पहुंचे हुए हो 8,600 पे, 8,600 वर्सेस 10,800, मतलब ये 30% का फर्क है। इसका मतलब ये होगा कि यूपी में इस बार रजिस्ट्रेशन लोगों ने काफी कम करा, बच्चे भी कम है ऑफ कोर्स आपसे ऊपर, लेकिन कंपटीशन की वजह से लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कम किया। दैट मींस अगर हम सिर्फ मार्क के हिसाब से देखें, यूपी की कट ऑफ काफी गिरेगी। देखो चलो, अगर हम ऑल इंडिया रैंक से भी कंपेयर कर लें, लोग कहते हैं कि चलो भी पेपर मुश्किल है, 2,15,000 इस साल रैंक 370 वाले की है। रैंक से देखते हैं, 2,16,000 रैंक पे स्टेट रैंक थी 8,600 इस साल, लेकिन लास्ट ईयर 2,015 रैंक पे स्टेट रैंक कितनी थी, 16,000 पे स्टेट रैंक थी 10,352। इस बार सेम 2,16,000 पे स्टेट रैंक है 8,000 की रेंज में, 8,600 वर्सेस 10,300। अभी भी 2,000 का फर्क हो गया और परसेंटेज में वही 20-22% का फर्क है। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में पूरी उम्मीद ये है कि अगर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आप खुद ही, आप ही काउंसलर, आप ही स्ट्रेटजी बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आने दीजिए, हर साल ऊंट करवटे बदलता है, तो आप मान के चलिए एक या दो कॉलेज आप ऊपर जा सकते हैं। तो भाई ऑल इंडिया रैंक जिसकी लास्ट ईयर 2,15,000 थी, उसको लेट्स से यूपी का सबकी चॉइस देखिए, टॉप फाइव क्लियर है, श्रीराम मूर्ति, शारदा, सुभारती, मुजफ्फरनगर मेडिकल, रोहिला खंड, इसमें कहीं कोई डाउट होता ही नहीं है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आता है कि भाई नंबर 6 पे हेरिटेज भरे, या नंबर 6 पे रामा कानपुर भरे, या हापुड़ के एक दो कॉलेज भरे, या के डी मथुरा भरे, एंड दैट इज वेयर कंफ्यूजन स्टार्ट्स एंड वेयर वी हेल्प स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्चुअली चॉइस कई और फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मैं तो ये कहूँगा, रेदर देन प्योर क्वालिटी। लेकिन टॉप फाइव में शायद उत्तर प्रदेश में कहीं पर कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जिसको लास्ट ईयर नंबर 5 कॉलेज मिला था, शायद इस बार नंबर 3 कॉलेज मिल जाए सेम ऑल इंडिया रैंक पे। जिसको नंबर 9 कॉलेज मिला था, उसको इस बार नंबर 6 कॉलेज मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में काफी उम्मीद है कि आपको बेटर कॉलेज मिल जाएंगे। सिमिलरली लास्ट ईयर अगर हमने ये देखा था, अभी ऑल इंडिया रैंक से 5,00,000 पे एडमिशन खत्म हो गया था, इस बार 6,00,000 तक भी यूपी में एडमिशन मिल सकता है। यूपी में एडमिशन मिलने के काफी चांसेस, मतलब 25% का फर्क मेरे को नजर आ रहा है ना, 25% का फर्क यह है कि लास्ट ईयर अगर 5,00,000 ऑल इंडिया रैंक पे एडमिशन खत्म हुआ था, इस साल 6,00,000 ऑल इंडिया रैंक पे भी यूपी का प्राइवेट एडमिशन आ सकता है। तो गुड न्यूज है यूपी एस्पिरेंट्स के लिए कि आपको यहाँ सीट मिल सकती है। आप अभी घबराइए मत, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि यूपी में सीरियस एडमिशन होता है राउंड 1 में,
बाकी जगह तो मजाक चलता रहता है क्योंकि फ्री एग्जिट होता है। तो हिमाचल का हमने देखा ही है, एक ही प्राइवेट कॉलेज है, 350 के ऊपर कट ऑफ जारी है। हरियाणा में तो पूछिए मत। तो जहाँ जहाँ भी फ्री एग्जिट है वहां पर यही खेल चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में मेरे काफी उम्मीद है, और उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं काफी सीटें हैं, टोटल 4,000। इस बार बहुत अच्छा इन्होंने पहली बार ये सीट मैट्रिक्स दिया है, वरना कभी यूपी वाले इतना प्यारा मैट्रिक्स देते नहीं थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। 4,700 पूरी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, साल कोई सीट एक आध बड़ी भी है बीच बीच में, तो शायद ये 150 से 250 हुई है रोहिला खंड। तो इस सीट के मद्देनजर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार 25% तक लास्ट सीट जिसे कहते हैं ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हमें हमेशा बात करनी चाहिए, गिर सकते हैं लास्ट सीट लेने के लिए। इट वुड बी गुड फॉर एमबीबीएस एस्पिरेंट्स, यूपी स्टेट में सीट मिलना आसान दिख रहा है। अभी भी आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग का पैकेज लेना चाहें 9643362320 पे कॉल कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।